सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी वफाकी हुकूमत की और बल्दियाती हुकूमत की। इनका गठजोड़ काम आ चुका है और जो सियासी मीटिंग्स होती हुई नज़र आ रही थी उसका भी हासिल वसूल ये देखने में आया कि वफाकी हुकूमत ने बराए रास्त बल्दियाती जो हुकूमतें हैं, खासतौर पर कराची की अगर मैं बात करूँ या बल्दिया उसमें कराची की बात करूँ, KMC की, इनको फंड जारी करने का बराए रास्त इस पर जो है वो हिमायत कर दी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 अरब रुपये भी बल्दिया उसमें कराची की नज़र करने की बातें कर दी गई हैं। हैदराबाद की बल्दियाती हुकूमत को 50 करोड़ रुपये देने की हामी भर ली गई है। अब ये तमाम चीज़ें, तमाम मामलात ठीक है, कहीं ना कहीं बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं मामलात। और जो तरक्याती मनसूबे नून लीग की हुकूमत में शुरू किए गए थे, फिर वो रोक दिए गए थे, तरजीहात रोक दी गई थी, अब उनको लगता ऐसा है उन तरक्याती मंसूबों को देखकर कि अब ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मामला यहां पर कुछ और है। सईद गनी साहब की अगर मैं बात करूं, पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वजीर इत्तला'आत, ये बीच में आ गई, ये कह रहे हैं कि भाई NFC फंड भी तो हमारा रोका हुआ है, वो दे दें ताकि हम भी अपना कुछ काम कर सकें। अब कुछ खुशी की खबर है लेकिन हजम किसी को हो नहीं रही है। मामला क्या, इस पर बात करेंगे। MQM पाकिस्तान की जानिब से साजिद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। साजिद साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, इत्यादियों ने कुछ तो खैर फंड रिलीज किया, आप क्या कहेंगे इस पर? वालेकुम असलम। अच्छा, एक बात तो ये तय हो गई कि गुज़श्ता 1.25 साल से MQM की पूरी क़यादत, टीम, MQM और थिंक टैंक पूरी ये कोशिश कर रहे थे कि कराची में किसी भी तरह से फंडिंग को वफाक से लाया जाए। ठीक है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है, मिसाल के तौर पर अभी आपने सईद गनी साहब की मिसाल दी कि उनको ऑब्जेक्शन है बहुत ज़्यादा कि NFC अवार्ड की, NFC फंड की मद में इनको सिंध को पैसे देंगे। तो अभी NFC अवार्ड की मद में सिंध को 660 अरब में मिले हैं गुज़श्ता कुछ अर्से पहले। ठीक है। लेकिन उस फंड का कोई नामो निशान नहीं कि वो कहाँ लगा है। लेकिन बहरहाल MQM की टीम मुस्तकिल तौर पर वफाक की वफाक से कांटेक्ट में थी और मुस्तकिल अपना प्रेशर देकर और ये बातचीत मुस्तकिल मुख्तलिफ। साजिद साहब, आपको नहीं लगता कि एक तो फंड्स जो जारी किए गए हैं उसमें एक तो बड़ी देर की, 1.5 साल का अरसा लगा आप लोगों को मनाने के लिए, आप लोगों ने ऑब्वियसली मीटिंग्स की और फिर 8.5 अरब रुपए दिए हैं, तो ऐसा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 5 सालों में मुझे लगता नहीं कि 162 अरब रुपए कराची को दे दिए जाएंगे। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमेशा वफाक से तो हमने हमेशा डिमांड की और वफाक ने हमेशा उसकी हामी भरी, बल्कि उसका ऐलान भी कर दिया कि 165 अरब रुपए हम कराची को देंगे। लेकिन बीच में हमेशा 18वीं तरमीम आड़े आ जाती थी कि 18वीं तरमीम की वजह से रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक सूबों को आप फंड देंगे और सूबे उसके बाद नीचे उसको डिलीवर करेंगे। लेकिन सूबे का जो हाल इस वक्त है, सिंध सूबे का स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को आप देख लें या डेवलपमेंट की सूरत को देख लें, यहाँ पर बल्दियाती लोगों का अख्तियार ना देने के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का किरदार देख लें, तो इनका हाल तो बहुत बुरा है। अच्छा, ये ना खुद कोई काम कर रहे हैं और ना दूसरों को कोई काम करने दे रहे हैं, ना खुद खेल रहे हैं ना दूसरों को खेलने दे रहे हैं पिच पर। अच्छा, यही वजह है कि वफाक ने फिर फैसला किया, वफाक से MQM ने कहा कि ठीक है आप भी अपना अपने पावर को डायरेक्ट अप्लाई करें, पावर दिखाएं। अच्छा, ये सईद गनी साहब जो बेसिकली पावर है, सईद गनी साहब बेसिकली जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं? क्या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है या फिर इसके ऊपर भी कोई, इसके ऊपर बात हो सकती है कि डायरेक्ट जो है वो बल्दियाती जो बल्दिया उज़्मा को पैसे दिए जा रहे हैं, फंड दिए जा रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है या फिर वही प्रोसेस होना चाहिए कि सूबाई हुकूमत के थ्रू आए? देखिए, ये वही कराची है कि अभी गुज़श्ता दिनों FDR ने पूरे पाकिस्तान की मार्केटों से रेवेन्यू कलेक्शन की थी। ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान की मार्केटों से 30 अरब यानी कि कराची को छोड़कर, और कराची से 60 अरब रुपए मार्केटों से कलेक्शन किए हैं FDR ने। जो शहर अरबों खरबों रुपए दे रहा है उस शहर के लिए सिंध गवर्नमेंट उसकी दुश्मन बनी हुई है।
अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी को कराची के लोगों ने हमेशा रिजेक्ट किया है कि यहाँ से बार बार हारे हैं। ये अपनी हार का बदला अल्लाह के बंदों से इस तरह ले रहे हैं, यानी कराची के लोगों का पैसा तो ले रहे हैं, कराची के लोग सिंध गवर्नमेंट को 95% रेवेन्यू के मद में दे रहे हैं, वो लेकर अपना खाने पीने पेट भर रहे हैं और अपनी जायदादें बना रहे हैं। सिंध के लोग भी बेचारे जो गरीब सिंधी है वो परेशान हैं इनसे, उन्होंने सिंध भी इन्होंने कुछ नहीं किया है सिर्फ करप्शन के अलावा, चोर बाजारी के अलावा, गुंडागर्दी के अलावा, और आज आप देख लें कि सारे के सारे बुजुर्ग के नायब जदा हैं। चले आप मुझे एक बात बताएं साजिद साहब, आप लोगों को फंड्स जब जारी नहीं किए जा रहे तो ऑब्वियसली शिकवा तो किया जा रहा था, खालिद मकबूल साहब भी बैठे नजर आते थे, आपके दीगर रहनुमा भी जो है वो मीटिंग करते रहे वजीर आजम से, अब सिंध हुकूमत को NFC बजट नहीं दिया जा रहा तो क्या वो शिकवा भी ना करें? नहीं बिल्कुल करे शिकवा, लेकिन अगर गुज़श्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तकरीबन 11 साल चल रहा है सिंध के अंदर, अब तक अगर आप कैलकुलेशन करें तो 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के दौर में पास हुई थी, आप 7-8 साल के दौरान जो NFC अवार्ड की मद में जो फंड सिंध को मिला है आप उसकी कैलकुलेशन करें जितना अरबों खरबों रुपए इनको मिला है और इन्होंने उसका कितना मिस यूज किया है। आज सारे सिंध के अंदर जो जाली अकाउंट पकड़ जा रहे हैं और जाली अकाउंट बनाकर जो यहाँ से पैसा ट्रांसफर दुनिया भर के मुल्कों में किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, तो इन्होंने आवाम के पैसे का ही असर किया है। तो यकीन, चले मुझे एक बात बताएं, 8.5 अरब रुपए रिलीज किए गए हैं, क्या काफी है कराची के लिए? क्या कितने प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लेंगे? देखिए बिल्कुल भी बिल्कुल हमें भी इस पर तहफुजात है, वो इसलिए 165 अरब रुपए का इमरान खान साहब ने अनाउंस किया और 8.5 अरब रुपए दिए हैं, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है। यही तो सवाल मैं आपसे, यही जवाब आपसे सुनना भी चाह रहा था, इस पर मैं एक सवाल और ऐड कर दूं, आपका कमेंट चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि ऐसा तो नहीं है, नाकिदीन की राय है, मेरा अपना पर्सनल जो है वो ये तजिया नहीं है, नाकिदीन कहते नजर आ रहे हैं कि ख्वाजा इजहार साहब ने भी एक जो है वो हुकूमत के अगेंस्ट कमेंट दे दिया था कि मौशी हालत ऐसे नहीं है तो चल नहीं सकते, फिर महफूज यार खान साहब भी बोलते नजर आते हैं मुख्तलिफ टॉक शोज में। सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं है कि इत्तेहादियों को इत्तेहादी बनाए रखने के लिए ये पैसे रिलीज किए गए? अच्छा ये बिल्कुल ये कमेंट्स पीपल्स पार्टी के सईद गनीमी ने भी दिए हैं कि इत्तेहाद से जोड़े रखने के लिए या अपनी हुकूमत को टूल देने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया गया, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की कोशिश से काबिश है कि उसने मुस्तकिल मिजाजी के साथ कराची के लोगों के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए, MK के वोटर सपोर्टर जहाँ भी उनके लिए उन्होंने फाइट की, वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ बातचीत करते रहे, मुख्तलिफ वक्तों के अंदर इनके वक्त बहादराबाद आते रहे और हमारे वक्त बाकायदा तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट के अंदर सवाल उठाते रहे, जोर देते रहे, हमेशा जब भी कोई बात हुई कराची के हवाले से फर्स्ट प्रायोरिटी पे बात की। अगर MQM कराची इंस्टीट्यूशन नहीं होती तो वो मिनिस्ट्री हमें दे रहे थे कि आप मिनिस्ट्री ले लें, लेकिन MQM ने साफ मना किया कि हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कराची के मसाइल का हल चाहिए। अच्छा वो मिनिस्ट्री दे रहे थे, MQM ने मना कर दिया मिनिस्ट्री के लिए, मजीद तीसरी मिनिस्ट्री भी दे रहे थे लेकिन मना कर दिया MQM ने, वो इसलिए कि हमें मिनिस्ट्रियों की जरूरत नहीं है। लेकिन 8.5 अरब रुपए में मान गई MQM, 162 से 8.5। देखिए अभी ये स्टार्ट उन्होंने किया है और बाकी भी उन्होंने उसके आगे की यकीन नहानी कराई है कि हम आगे इंशाल्लाह ताला मजीद भी फंडिंग भी करेंगे जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वफाक का ये फर्ज है कि जो शहर पाकिस्तान को वफाक को 70% इनको 95% दे रहा है वहाँ पर मर्दम शुमारी का ना होना सही ना होना अलमिया, वहाँ पर डिलिमिटेशन होना। लेकिन मैं मुझे एक चीज नजर आ रही है साजिद साहब, बड़े सस्ते में जो है वो वफाकी हुकूमत छूट गई, बड़े बड़े वादे किए थे MQM के साथ, MOU मैंने देखा था, MOU जो साइन किया था आपकी नजर से गुजरा था? देखिए मेरे ख्याल बिल्कुल मेरे ख्याल में जो बीच में 18 तारीख के बाद जो रुकावट आई वो 18 तारीख पास होने के बाद जो सिस्टम थोड़ी सी रुकावटें जो आ रही है फंडिंग के हवाले से वो 18 तारीख है। अच्छा हम भी ये कहते हैं कि 18 तारीख कोई पुरानी सहीफा नहीं है, इसमें भी चेंजिंग ला सकते हैं, अमेंडमेंट उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो शहर सब कुछ दे रहा है वफाक को सिंध को उस शहर के साथ, चलो ये सारी बातें तो MQM के तमाम रहनुमाओं से सुनते रहते हैं, अब 8.5 अरब रुपए आ सकते हैं तो क्या 162 अरब रुपए नहीं आ सकते थे? ये ऐसा तो नहीं है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। MQM की क्यादत
162 अरब रुपए जो भी इन्होंने अनाउंस किए अल्लाह ताला जो रह गए वो भी उसको पूरा लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बजट जो बनाया था उसमें वाकई रखे हैं 162 अरब रुपए? हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो इन्होंने बजट बनाया था उसमें वाकई इतना मार्जिन रखा है कि दे सके ये कराची को पैकेज? बजट बुक के अंदर इन्होंने पैसे नहीं रखे थे सर। फिर तो एमक्यूएम को इत्तेहाद छोड़ देना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था। मेरी बात लेकिन वफाक है, साबिर है, वफाक के पास अथॉरिटी इख्तियार आइन कानून को देता है कि वो जिस सूबे के जिस शहर के अंदर चाहे वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है कि नून लीग के दौर में एमक्यूएम के वक्त बार बार उस जमाने में गिलानी साहब के पास गए, पीपल्स पार्टी के पास गए, उनसे बातचीत की, तो उनसे बातचीत की, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट 2008 से 2013 से 2018 तक नून लीग की गवर्नमेंट थी, उनसे हमने बातचीत की, तो M9 कराची आदाबाद मोटरवे बना, उसके बाद लियारी एक्सप्रेस वे का हमने काम करवाया, K4 का मंसूबा। सर K4 तो ना बन सका सर, एमक्यूएम इसको तो पेंडिंग में, तो पीपल्स इसका जो नुकसान K4 का जो आज कंप्लीट नहीं होने हो पाया है, उसकी लागत इतनी बढ़ गई है, उसका टोटल अगर 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 कोई अगर उसका कसूरवार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है। इन्होंने बहुत डिले किया, ये चाहते ही नहीं है कि सड़कों और रेलवे कराची के अंदर बने, ये चाहते ही नहीं है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है वो कराची के अंदर कम्प्लीट हो। हाँ, ये कराची से रेवेन्यू इन्होंने चाहते हैं, कराची इनको फंड दें, इनको पाले, इनको पोसे, इनको सब कुछ करें, लेकिन जहाँ अगर कराची मिसाल के तौर पर सही जनी को चाहिए था अगर सर कराची की आवाम आपको बड़ा चाहती थी, कराची की आवाम आपको वोट देती थी, अगर इसके ऊपर भी 8.5 अरब रुपए देकर भी अगर कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट ना किया जाए या फिर से बात नहीं की जाए कि और बजट दिया जाए, तो फिर तो आवाम मायूस हो जाएगी आपसे। मेरे ख्याल में अभी कुछ दिनों आमिर खान भाई ने कहा है और ये कह भी दिया है उन्होंने कि ये फंड नाकाफी है, ये वही फंड है जो कि 165 अरब रुपए का ऐलान पाकिस्तान ने किया था और ये नाकाफी फंड है, और हम भी कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है। अब वफाक को चाहिए कि वफाक मुस्तकबिल के अंदर मजीद, क्योंकि अब हमारी तो यहाँ से कराची से 4 सीटें निकली ना, लेकिन PTI की यहाँ से 14 MNA है और 22 MP और रिजर्व मिला के 28 मेरे ख्याल में 28 तो ज्यादा 75% स्टेक होल्डर तो PTI है, लेकिन आवाज एमक्यूएम उठाती है कराची वालों के लिए, लड़ती है एमक्यूएम है, वफाक से फंडिंग एमक्यूएम लेके आती है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पर कोई लड़ता है, K4 पर कोई लड़ रहा है, मास ट्रांसिट पर लड़ रहा है, सर्कुलर रेलवे पर कोई लड़ रहा है। फिर तो अगर उनके 14 वोट हैं और आपकी 4 सीटें, फिर तो वो अपना वोट बचाने के लिए काम करें, सारी क्रेडिबिलिटी तो उनकी आएगी, सारा पॉइंट स्कोरिंग तो वो ले जाएंगे, आप कहां गए बीच में। लेकिन ये तो दुनिया को पता है ना कि अगर कोई वहां पर बात कर रहा है वफाक की, अगर कैबिनेट में कोई बात करे तो वो एमक्यूएम बात कर रही है, वो इसलिए कि एमक्यूएम के लोग आज भी चेयरमैन एमक्यूएम के वर्कर लोगों के अंदर मौजूद हैं और लोगों की डिमांड ही ऊपर तक पहुंचाते हैं, और फिर हमारी राबता कमेटी डॉक्टर खाल मकबूल सिद्दीकी भाई या कैबिनेट के अंदर इन चीज़ों को उठाते हैं, एमक्यूएम का वक्त बार बार मिलता है जब हमारी PTI से मुलाकात। अभी अगला क्या स्टैंड है, 8.5 अरब रुपए तो दे दिए, ठीक है, चलें 2-4 मंसूबों को थोड़ा सा धक्का लगा दिया जाएगा, तरक्याती मंसूबों को, मैं तो खैर नहीं समझता कि पाया तकमील तक पहुंचेंगे, तो अब अगला स्टैंड क्या होगा एमक्यूएम का, क्योंकि आवाम की नजर आप पर है सर, कराची की नुमाइंदा जमात है। अगला स्टैंड एमक्यूएम का ये है कि नंबर वन ये कि एमक्यूएम में जब भी PTI के आला कायदा से मुलाकात होती है तो जहाँ पाकिस्तान के सियासी हालात, इक्तिसादी हालात, माशी हालात, वहाँ एजेंडा मेन एजेंडा कराची का भी होता है, कराची के इशूज पर बात करते हैं, तो अब भी एमक्यूएम के एजेंडे में फर्स्ट प्रायोरिटी है कराची फंडिंग, मतलब 1.5 साल और लग सकता है आर्डर बनाने में, कराची के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाए तमाम के तमाम जो के अनाउंस हो चुके हैं, जो के वफाक ने भी जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी को अनाउंस किया है, अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कराची को बहुत कुछ दूंगा, और कोई अगर कराची को दे रहा है तो कराची पर एहसान बिल्कुल नहीं कर रहा, वो इसलिए कि वो कराची का एहसान उतारे, जो कराची एहसान वफाक पर कर रहा है, कराची एहसान सिंध गवर्नमेंट पर कर रहा है, ये उसका एहसान उठा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मजीद फंडिंग करें, कराची पाकिस्तान का माशी अब है, कराची का पहिया चलता है तो पूरे पाकिस्तान का माशी पहिया चलता है, तो बेहतर ये कि फोकस कराची को किया जाए, मतलब आने वाले वक्त में प्रेशर डाला जाएगा हुकूमत पे जी, आने वाले वक्त में ऐसा देखा जा सकता है कि आप लोगों की जानिब से प्रेशर डाला जाएगा हुकूमत पे, बिल्कुल
बिल्कुल हमने अच्छा, एक सवाल मैं हमेशा करता हूँ, एक सवाल मैं आपके रहनुमाओं से हमेशा करता हूँ, अगर ये मुतालबात और सुस्ती का सुस्त रवि से किए जाएं और ये बातें जो मंतकी अंजाम तक पहुंच रही हैं, आप लोगों को ऑब्लाइज किया जा रहा है, तो क्या आगे ऐसा पॉसिबल है कि ये इत्तेहादी अलग रास्ता इख्तियार कर लें? देखें देखें, ये सुस्त रवि का नतीजा है कि आज ये फंडिंग कम से कम आ गई है, स्टार्ट काम। नहीं नहीं सर, सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर और सुस्ती की जाती है तो क्या रास्ते जुदा जुदा हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो मिनिस्ट्री छोड़ी जा सकती है जी, बिल्कुल। एमसीएम का कोई जाती एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई भी नहीं रखती, एमसीएम जाती मसाइल पर कभी कोई बात नहीं करता। अभी तो खैर फरूख नसीर साहब ने पर्सनल वजूहात पे इस्तीफा दिया था, कल को एमसीएम की बिना पर छोड़ा जा सकता है? देखिए अगर अगर कराची के मसाइल को कोई भी हुकूमत, माजी में भी हुकूमतें रही हैं और मुस्तकबिल में पीटीआई मौजूद है, अगर कराची के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकती तो लोगों ने भी जो एमसीएम को वोट दिए हैं उनका बुनियादी मकसद भी ये था कि उनके मसाइल को हल करना और कराची हैदराबाद के मेन मसाइल को हल करना। और अगर वफाकी हुकूमत यकीनन अगर हमारे इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेगी तो फिर हमारे पास यकीनन ऑप्शन तमाम सियासी जमातों के पास ऑप्शन होते हैं, हमारे पास भी ऑप्शन यकीनन। चले डेढ़ साल तो साजिश साथ हो गया, डेढ़ साल तो मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ और हो चुका है डेढ़ साल आप लोगों को इत्यादि बने हुए, और कितना वक्त लगेगा मुझे देखने में कि या तो आपके मुतालबात पूरे हो जाएं या फिर मैं देख रहा हूं जैसा आपने कहा कि इस्तीफे आ जाएं? मैंने आपको बताया ना कि 18वीं तरमीम, साढ़े तीन साल, पांच साल हो गए सर, साढ़े तीन साल लगेंगे। मैंने आपको बताया ना कि जो बीच में एक 18वीं तरमीम वफाक सूबे के दरमियान एक ऐसे बैरियर के तौर पर काम कर रही है कि वफाक डायरेक्ट फंडिंग नहीं कर सकता, लेकिन अब हमने वफाक से कहा है कि पाकिस्तान सर जी 8.5 अरब रुपए दे दिए, अब तो पता चल गया ना दे सकता है, तो अब तो आप मान सकते हैं। मजीद इसी बेस पर मैं सवाल कर रहा हूं कि और कितना वक्त दरकार है कि मैं अगला प्रोग्राम कर लूं कि भाई ये डेडलाइन दी थी साजिद साहब ने? इंशाल्लाह जल्दी मजीद खुशखबरियां सुनेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है एमक्यू पाकिस्तान की जानिब, मजीद खुशखबरियां सुनाई जाएंगी जल्द, लेकिन ये अल्लाह ही जानता है कब सुनाई जाएंगी, क्योंकि 162 अरब रुपए की बात की गई थी, 8.5 अरब रुपए के अंदर अगर एमक्यू मान जाती है तो ये आवाम मायूस हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप नुमाइंदा जमात हैं और अगर आप प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं तो बारहा इनके रहनुमा कह चुके हैं कि हम इस्तीफा भी दे देंगे, रस्ते भी जुदा जुदा हो जाएंगे, लेकिन देखने में ऐसा आ नहीं रहा है। यहाँ पे वक्फा लूंगा, उसके बाद दीगर इशू शामिल करेंगे।